जहां तक मखाने की प्रसंस्करण की बात है तो यह बहुत ही कठिन कार्य है। यह अभी तक परंपरागत पद्धति से ही किया जाता है, जिसके अंतर्गत मखाना के बीज यानी गुर्री को धूप में सुखाना, श्रेणीकरण करना, बीजों को उष्मीकरण, भूनना और लावा बनाना। इसमें लावा की सफाई, वर्गीकरण और पैकिंग महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मखाने का लावा उसके गुर्री से अलग अलग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामान्य गुर्रियों को 7 विभिन्न आकार के चलनियों से ग्रेडिंग कर अलग टोकरियों में रखा जाता है। इन गुर्रियों को चटाई पर फैलाकर सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से कत्थई रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद गुर्रियों को उसी दिन कड़ाही में बगैर बालू के प्रयोग से भुना जाता है और सावधानी यह रखी जाती है कि बीज का छिलका न फटे। भुनाई के बाद गुर्रियों को पुनः टोकरियों में भरकर ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे गुर्रियों के कड़े छिलके अंदर के बीज का लावा ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण लावा तैयार करने में आसानी होती है। फिर गुर्री को कड़ाही में थोड़ी थोड़ी मात्रा में भुना जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कड़ाही की आवश्यकता पड़ती है। भूनने के क्रम में लोहे की कड़ाही से फटफट की आवाज आने के बाद गुर्री को कड़ाही से निकाल लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म रहने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है। इस प्रकार मखाना तैयार किया जाता है। मखाना को आप सामान्य तापक्रम पर लंबे समय के लिए भंडारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार आप मखाने की खेती और प्रसंस्करण कर सकते हैं।